इस बारिश के मौसम में एक जैसा कौन खाना चाहता है, तो चलिए कुछ अलग बनाते हैं, कुछ हटके बनाते हैं। और देखिए कितनी क्रिस्पी है ये, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होती है ये रेसिपी। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ब्रेड रोल, ब्रेड पकौड़ा या फिर ब्रेड चीज़ रोल, जो मन करे। लेकिन खाने का तो मन इसे ही करेगा ना। तो चलिए देर की इस बात की, इस रेसिपी को फटाफट शुरू करते हैं। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए रेसिपी को फटाफट शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 से 4 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं और इसे मैश कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ पनीर को ग्रेट कर लेते हैं, और ये हो गए हमारे ग्रेटेड पनीर। अब इसके बाद यहाँ पे बड़े साइज़ का एक प्याज हमें बारीक चॉप्ड कर लेना है, और हरी मिर्च यहाँ पर मैंने 2 लिया है, दोनों को बारीक चॉप्ड कर लिया है, और अब इन दोनों को भी मैं ऐड कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च और गर्म मसाला, और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लेते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारे आलू के पेस्ट बनके तैयार हैं। और अब बच्चों को थोड़ा चीज़ी पसंद आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1/4 कटोरी यहाँ पे मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। और अब ये आलू की चीज़ी पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसके फटाफट हम रोल रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ब्रेड ले लिया है, इसे चारों तरफ इसे हम कट कर लेते हैं। आपको जितने ब्रेड के रोल बनाने हो आप उतने ब्रेड के किनारों को काट के अलग कर दें, और उसे फेंके बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके हम आज यूटिलाइज कर लेंगे ब्रेड क्रम्स बना के। आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, और इसके पाउडर जैसे फॉर्म बन जाते हैं कुछ इस तरीके से। इससे काफ़ी ये जो नाश्ता है ना, बहुत क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होता है। ट्रस्ट मी, आप चाहे तो मार्केट से भी ब्रेड क्रम्स को ले सकते हैं, मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल रहते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेते हैं, 2 चम्मच मैदा ले लेते हैं, थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर यहाँ पे नमक ऐड कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसकी एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसे हमें कंटिन्यू घुमाते हुए इसकी एक सॉल्यूशन बना लेनी है, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस सॉल्यूशन को आप चाहें तो इसे एज ए कोटिंग आप यूज़ कर सकते हैं, बट इस रेसिपी में मैंने यहाँ पर इसे कोटिंग में यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसे भी टेस्टी बनता है। एंड इसके बाद हमारी ये सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार है, और अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यार अब हम अपने एक मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, मतलब कि अब हम अपने कटे हुए ब्रेड को ले लेते हैं, इसे हल्के हाथों से रोल कर लेते हैं। ज़्यादा रोल नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेना है। इसके बाद इसके हम अपने आलू वाली फिलिंग्स को ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से शेप इसके कर लेते हैं, और इसके ऊपर से थोड़ा सा और चीज़ें बनाने के लिए ताकि बच्चे खुश होकर खाएं, मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेते हैं। और जो हमने अभी कॉर्नफ्लोर और मैदे का सॉल्यूशन बनाया था, इसे हम अच्छे तरीके से लॉक करने के लिए हम इस पेस्ट सॉल्यूशन को लगा लेते हैं, और अच्छे से कुछ इस तरीके से हम ब्रेड के रोल को सील कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि फ्राई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि टूटे नहीं, राइट। एंड बाकी के भी सारे हम रोल को कुछ इस तरीके से हम बस रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। देन सो हमारी सारी इस रोल बनके तैयार है, और अब इसकी कोटिंग हम कर लेते हैं अपने ब्रेड क्रम्स के साथ, ताकि ये बहुत ज़्यादा फ्राई होने के बाद क्रिस्पी और करारा बनके ये नाश्ता तैयार होता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है चाय के साथ, बिल्कुल मज़ा आ जाता है बारिश वाले मौसम में खा के। तो अब हमारे बिल्कुल चीज़ें ब्रेड रोल यहाँ पे फ्राई होने के लिए रेडी हैं, और यहाँ पर मैंने पैन में ढेर सारे ऑयल को ऐड कर लिया था फ्राई होने के लिए। तेल जैसे ही गर्म होता है हम एक बार चेक कर लेते हैं, और इसके बाद गैस के फ्लेम को लो करके इसे एक एक करके ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप पहले स्टार्टिंग में जैसे हम ऐड करते हैं तो गैस के फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम हम रखेंगे, और जैसे ही एक बार फ्लिप कर लेते हैं तो गैस के मीडियम को हम लो पे ही फ्राई करेंगे, ताकि इसे काफ़ी जो हमारा ये नाश्ता क्रिस्पी बनता है।
आप इसे इसमें कुछ भी फ्राई और इसमें कुछ भी कुक होने वाला चीज़ नहीं है, आप इसे मीडियम फ्लेम पे भी फटाफट कर सकते हैं, थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसे फ्राई करने पे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। आपसे बातें करते करते समय का पता नहीं चलता और फटाफट ये मेरी नाश्ता भी बन के तैयार हो गई। देरी किस बात की है, चाय आप बना लो, हम मिल के इंजॉय करते हैं। बारिश का बिल्कुल इंतज़ार ना करते हुए अगर ये रेसिपी आज की अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मुझे अपना नया दोस्त बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड मेरी नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, इन्जॉय।